हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या PhD एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि JNU दिल्ली में है, इस यहाँ पर जो PhD से रिलेटेड एडमिशन प्रोसीजर आया है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप आराम से इस वीडियो को तसल्ली से देख लो पूरा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, जितनी भी चीज़ें सब कुछ अभी मैं कवर करवा दूंगा। फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर अवेलेबल है, किस किस फील्ड में यहाँ पर PhD अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत एंड इंग्लिश स्टडीज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस, ई लर्निंग, मॉलिकुलर मेडिसिन, स्टडी ऑफ लॉ गवर्नेंस, नैनो साइंस, डिजास्टर रिसर्च, स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एंड सिस्टम मेडिसिन। सो दीज आर दी डिसिप्लिन जहाँ पर आपको PhD अवेलेबल है इस JNU यूनिवर्सिटी में। आपका नहीं है तो फिर आपका कहीं और आपको ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज आप कॉमेंट कर देना नीचे, मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। एडमिशन नोटिस की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे PhD का एडमिशन और अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं इस सेशन में। तो वैसे यहाँ पर देखो CBT एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें MCQ फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही चीज़ रहने वाली है यहाँ पर दोबारा से। एडमिशन टू PhD किस तरीके से का रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड EWS 50% लाने होंगे मिनिमम आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में, और SC ST अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से करते हो, तो 45% आपको लाने होंगे अपने रिटर्न एग्जाम में, जो आपका CBT मोड में एग्जाम लिया जाएगा। गाइस अगर हम बात करें PhD की, तो अगर आपने ओनली नेट क्वालिफाई किया हुआ या फिर नेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके 70% की वेटेज रहेगी एंड आपका वाइवा बॉक्स जो इंटरव्यू होगा उसके 30% की वेटेज रहेगी। अगर हम बात करें अगर आपने JRF क्वालिफाई किया हुआ, याद रखना PhD थ्रू नेट JRF की बात की जा रही है, सिर्फ नेट नहीं है, अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली साफ साफ। तो यहाँ पर CBT मोड नहीं होगा आपका, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ओनली आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जिसकी 100% वेटेज रहेगी अगर JRF है तो। इस तरीके से आपका एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है PhD का। इसके अलावा गाइस मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर कि भाई जो आपका मिनिमम एलिजिबल मार्क्स होंगे, मतलब जो आपको लाने ही होंगे, वो PhD के लिए 50% होंगे जनरल कैटेगरी के, 45% फॉर SC ST OBC कैटेगरी। तो आपको आपके रिटर्न एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो जाएं एंट्रेंस के इंटरव्यू कॉल के लिए। गाइस जो आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पर, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहता है, दैट इज देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई जो 50% की वेटेज है वो रिसर्च मेथोलॉजी की रहेगी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही होता है, एंड 50% रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट पेपर जो है यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अगर गाइस रिसर्च मेथोलॉजी की मेरे पास नोट्स अवेलेबल है कंप्लीटली, एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स, जिसमें थियोरी एक्सप्लेनेशन है विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैंने एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं, प्लस अराउंड 200+ इम्पॉर्टेंट MCQs हैं फॉर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो नोट्स हैं इनके रिगार्डिंग आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 2919-1980-3। तो इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना रिसर्च मेथोलॉजी नोट्स लिख करके, रिसर्च मेथोलॉजी नोट्स की रिक्वायरमेंट, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल और डेमो नोट्स दोनों शेयर कर दूंगा। कुछ नॉमिनल सी फीस है, आप उस फीस को पे करके नोट्स को अवेल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपके लिए नोट्स अवेलेबल है। गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो बात की गई दैट इज कि भाई यहाँ पर आपको कितने बच्चों को बुलाया जाएगा वाइवा वॉक के लिए जो इंटरव्यू होगा। तो अगर सीटें आपकी 1 से 5 के बीच में है तो 5 टाइम्स कॉल किया जाएगा आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 6 से लेकर के 10 के बीच में सीट्स अवेलेबल है तो 4 टाइम्स,
और 11 या उससे ज्यादा सीट्स अवेलेबल है तो 3 टाइम्स कॉल किया जाएगा। सपोज करो अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 11 सीटें अवेलेबल है तो मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 33 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें केवल 11 बच्चों का एडमिशन होगा। तो ये इस तरीके से जो है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपका एक बार रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा और अगर आपने नोट्स मेरे से अवेल कर रखे होंगे रिसर्च मेथोलॉजी के, तो डेफिनेटली मैं आपकी इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प कर दूंगा, किस बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है अटेम्प्ट। बिकॉज आई एम ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, मोर देन 3 ईयर्स मुझे हो चुके हैं काम करते हुए, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो कमेटी बनाई जाती है किस तरीके से रहती हैं सारी चीज़ें। गाइज अगर हम बात करें जेआरएफ क्वालिफाइड की, तो दीज गाइज आर सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा उससे एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ये दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली अंडर जेआरएफ कैटेगरी। तो याद रखना जब फॉर्म निकलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो वाला फॉर्म मत भर देना जो एग्जाम कंडक्ट वाला फॉर्म होगा, मतलब जिससे सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आपका एक सेपरेट फॉर्म निकलेगा उसको फिल करना है जेआरएफ वालों को, तो आप चेक कर लेना एक बार। अभी फॉर्म नहीं निकले, निकलने वाले जल्दी निकल जाएंगे, तो जैसे ही फॉर्म निकलते तो आप लोग जेआरएफ कैटेगरी का अलग से फॉर्म निकलेगा आपको उसको फिल करना है। सच कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड डायरेक्टली फॉर वाइवा वॉक, और इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपका 100% आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपके आपके नाम को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो रहेंगे जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं वो भी एग्जेम्प्टेड रहेंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट से, तो उनका भी डायरेक्टली इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा। तो दोनों ही कैटेगरी के लिए सेम बात लिखी हुई यहाँ पर। इसके अलावा गाइस आगे बढ़ते हो देखते हैं कि आगे फर्दर क्या लिखा हुआ है। ओके आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि इन केस ऑफ बंचिंग ऑफ एग्रीगेट टोटल सीबीटी प्लस वाइवा वॉक्स मार्क्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम। सपोज करो अगर दो बच्चे के मार्क्स ऐसे हैं, सपोज करो मिस्टर ए के मार्क्स आ गए 60% और मिस्टर बी के मार्क्स भी 60% आ गए, दोनों को मिला के सीबीटी एग्जाम को और वाइवा वॉक दोनों को मिला के दोनों के 60-60% मार्क्स है, तो किसका सिलेक्शन किया जाएगा? तो ऐसे में ए और बी दोनों के जिस भी स्टूडेंट के पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इक्वल मार्क्स है, सपोज करो एक बच्चे ने 80% स्कोर किया था और एक दूसरे बच्चे ने भी 80% स्कोर किया था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो फिर ऐसे केस में ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे कि ग्रेजुएशन में किसके मार्क्स ज्यादा थे, तो उस बेस पे हो जाएगा। और तब भी अगर इक्वल आ गया तो 10+2 वाले एग्जामिनेशन का भी स्टार्टिंग से देखा जाएगा कि भाई 12th क्लास में किसके मार्क्स ज्यादा थे। तो वैसे इतना होता नहीं है, बट अगर इनकेस होता है तो इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन होगा। अगर हम आगे देखें तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो आई थिंक रिजर्वेशन का सभी को पता होगा कि जो रिजर्वेशन है वो 27% रहता है ओबीसी का, एससी का 15% सीटें रिजर्व है, एसटी की 7.5 एंड 5% फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं रिजर्वेशन के, जिनको फॉलो किया जाएगा यहाँ पर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए भी अराउंड 10% रिजर्वेशन रहता है, जो कि एससी एसटी ओबीसी में नहीं आते हैं, तो इनके अलावा इनका 10% का अलग से रिजर्वेशन इनको दिया जाता है, तो ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन यहाँ पर रहता है। गाइज यहाँ पर देखो जैसे सभी को पता होगा कि भाई अगर आप 55% मार्क्स है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कि किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर 5% का आपको क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये तो हर जगह फॉलो होता है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ फॉलो की जाएगी। तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो और आपने 50% स्कोर किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और जनरल हो तो आपको 55% आपको चाहिए मिनिमम, तो यहाँ पर 5% का जो है फर्दर रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स में। एडमिशन टू एम्प्लॉयड, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग है किसी गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट में अच्छी जगह पे कोई काम कर रहा है और वो नहीं वो चाहता है कि जॉब ना छोड़े, तो ऐसे में उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी वहां से। कैंडिडेट एंजॉइंग एम्प्लॉयड स्टेटस एंड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लीव सेंक्शन ऑर्डर प्रायर टू ग्रांट एडमिशन। तो एडमिशन ग्रांट करने से पहले ही आपको एनओसी देना पड़ता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो आपको जेएनयू में सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा गाइस देखो मैं जो स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था कि भाई जो जेआरएफ होल्डर्स हैं बस वही एग्जम्प्टेड रहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवार्डेड लेक्चरशिप विदाउट जेआरएफ, मतलब केवल नेट क्वालिफाई किया है आपने जो कि सीएसआईआर या फिर यूजीसी किसी भी कैटेगरी में हो आप, तो आर नॉट एलिजिबल एंड विल बी नॉट बी इंटरव्यूड, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा। और इनको क्या करना पड़ेगा, इनको
एचसीबीटी से एग्जाम देना पड़ेगा, देन उसके बाद ही इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जेआरएफ कैटेगरी ओनली सिलेक्शन विल बी डन ऑन 100% बाय वावॉक। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जिन्होंने अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उनका भी एग्जाम कंडक्ट होगा, उनका डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। जबकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में नेट वाले बच्चों को भी डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन जेएनयू में ऐसा नहीं है। जेएनयू में ओनली जेआरएफ को ही अलाउ किया हुआ है डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए। और ऐसे ही सेम आपका रहता है इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, नेट वाले को नहीं दिया जाता। ठीक है, सो गाइस दिस आर दी, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है, तो एनटीए जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा। याद रखना अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लेने जा रहे हो एडमिशन, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पर बार बार विजिट करना होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। आप अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ मैंने यहाँ पर, टेलीग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ या फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए ध्यान से, मैं वहां पर अपडेट देता रहता हूँ। बिकॉज देखो हर टॉपिक पे वीडियो बनाना मुश्किल होता है, हर टॉपिक पे वीडियो बार बार नहीं बनाई जाती, तो इसलिए मैं कई बार उसका लिंक इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ कई बार। और कई बार अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर भी अपडेट देता रहता हूँ। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको मेरे से अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे तो मैं वीडियो बना देता हूँ, बट अगर वीडियो नहीं बना पाया तो एटलीस्ट आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। गाइज आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट करके, डेफिनेटली मैं आपकी रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइज आज के भी इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स जेएनयू से करना चाहते हैं पीएचडी, ताकि सभी को पता चले कि भाई एडमिशन की फॉर्म जो है वो जल्दी ही निकलने वाले और एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।